वो जानना चाहती थी अहमदीज कौन है वो जानती है कि वो मानते है कि मोहम्मद आखिरी नबी नहीं है वो जानना चाहती अहमदी एक ऐसा फिर है जो कहता है कि मोहम्मद आखिरी रसूल नहीं है कुरान की आयत साफ़ कहती है सूर आज़ाब की सराह नंबर तैतीस आयत नंबर चालीस में माँ कान मोहम्मद वलाख रसोल्ला व ख़ाति नबीन व कानिकलिन मोहम्मद आप में से किसी के भी वालद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमा नबीन है अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्ला रसूल थे और आखिरी नबी थे लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी दैट प्रॉफिट हुज बीन गिवेन अ मैसेज ही इज कॉल्ड एज अ मैसेजर लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी उसका मतलब आखिरी रसूल भी क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं है हर रसूल नबी है तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी लेकिन अहमदी लोग आद्यनी लोग कहते नहीं नहीं नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई पैगाम आया रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया तो एक रसूल भी जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं और कहते मिर्जा गुलाम आदियान वो रसूल है जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है वो नबी और रसूल को उलट पलट करते दे गिफ्ट डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ तो इन गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है नबी मतलब ऊँचा दर्जा है रसूल नीचे आता है इसलिए रसूल आ सकते हैं गलत तर्जुमा करते हैं और कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुला अहमद मोहम्मद वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादान जो कुफ़्र हैफ़्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है कुरान के खिलाफ है अल्लाह के रसूल के खिलाफ है रीजन आई डेविटेड वो सही मुसलमान नहीं हैं। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है दे आर डूफ वो मुस्लिम हो नहीं सकते द क्वेश्चन थैंक यू असल